पहली जो हमने बुद्ध वंदना की वीडियो बनाई है, उसमें हमने जो थ्री जेम्स होते हैं, जिनको हम पाली में रत्नत्रय बोलते हैं और हिंदी में त्रिरत्न बोलते हैं, उसमें जो बोधि रत्न है उसके बारे में बताया था। इति पीसो भगवा अर्हं सम्मासं बुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो लोक विदु सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम्भ सारथि सत्था देव अनुस्सानं बुद्धो भगवाती, इसका हमने मतलब बताया था। उससे आगे जो आता है वो आता है शरण, यानी कि रिफ्यूजिस। तीन तीन शरण होती हैं, बोधि की शरण, संघ की शरण और धम्म की शरण। हम यहाँ शरण बताएंगे। सबसे पहले बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, यानी बुद्धं जीवित पर्यंतक, मैं अपने जीवित जीवन पर्यंत, यानी जितना मेरा जीवन है तब तक बुद्ध की शरण में जाता हूँ। इसका मतलब सिंपल ये है, और सारे इसमें जितने भी शब्द हैं वो बहुत आसान हैं। फिर इसमें आता है नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच वज्जेन होतु मे जय मंगलं, यानी नत्थी में शरणं अय्यं। नत्थी का मतलब होता है नहीं है, मैं माने मेरी, शरण अय्यं, अय्यं माने अन्य कोई, बुद्धो में शरणं वरं, बुद्धो में जो शरण है वो वरं यानी सबसे श्रेष्ठ है, अच्छी है। एतेन सच वज्जेन, इस सच्चे वजन से, यानी जो कहा गया है, जो सच्चा ये कहा गया है, हो तू मे जय मंगलम, इससे मेरी जय हो। ये आता है शरण में। शरण के बाद में हम वंदना करते हैं। वंदना ये चे बुद्ध अतीता चे, अभी हम बोधि की यानी वंदना कर रहे हैं, ये चे बुद्ध अतीता चे। जब हम संघ की करेंगे तो इसमें ये चे संगा हो जाएगा, और जब धम्म की करेंगे तो ये चे धम्मा हो जाएगा। तो ये चे धम्म बुद्ध अतीता चे, यानी कि ये जो, ये माने जो, चे माने और, बुद्ध बुद्धा माने बहुत सारे बुद्धा हैं। अगर यहाँ शब्द बुद्धो होता तो उसका मतलब एक बुद्ध होते, और बुद्धा का मतलब है बहुत सारे बुद्धा, यानी सारे बुद्धा हैं। अतीता चय, अतीता माने जो जिनका अतीत हो चुका है, बीत चुके हैं, जो बीते हुए जा चुके हैं, पास्ट में हैं, खत्म हो चुके हैं, निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। ये चय बुद्धा अनागता, और जो ये बुद्ध हैं, चय माने और, ये माने जो, बुद्ध अनागता। अनागता का मतलब होता है अनागत, यानी कि जो अभी आए नहीं हैं, जिनको आना है, यानी कमिंग, जो आ रहे हैं, इसका मतलब वो भविष्य की बात हो गई, फ्यूचर की बात हो गई, फ्यूचर में जितने बुद्ध आएंगे उनके लिए, यानी बुद्ध जो हैं वो जा चुके हैं और आएंगे भी। ये बात तय है कि बुद्ध कभी, पृथ्वी बुद्धों से कभी खाली नहीं रहती। पचुपन्ना चाहिए बुद्धा, पचुपन्ना, पूरे पाली साहित्य में आपको वर्तमान शब्द नहीं मिलेगा, हमेशा जब भी मिलेगा पचुपन्ना शब्द मिलेगा। पचुपन्ना का मतलब है प्रति उत्पन्न, प्रति उत्पन्न, प्रति क्षण उत्पन्न, यानी कि उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वर्तमान चल रहा है। जैसे हमारा जो जो शरीर है लगातार चल रहा है, तो प्रति क्षण वो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये अतीत हो जाएगा, और अगर इसे आना होगा तो ये अनागता हो जाएगा। तो पचुपन्ना चाहिए बुद्धा, और जो प्रति क्षण उत्पन्न हो रहे हैं, प्रति क्षण उत्पन्न हो रहे हैं, वो बुद्ध सारे। अहं वंदामि सबदा, अहं माने मैं, वंदामि माने करता हूँ, वंदामि उनको, वंदामि करता हूँ, सबदा माने सबको। ये वंदन है। इसकी दूसरी वंदना का हिस्सा है यो सन्नी सिन्नो वर बोधि मुले मारंग ससेन महतिंग विजित्वा संबोधि मधि गच्छी अनंत याणो लोकमुत्तो तंग प्रणमामि बुद्धं। यो सन्नी सिन्नो वर बोधि मुले, इसका जो लाइन है बड़ा सिंपल सा अर्थ है, देखने में टफ लगता है। यो सन्नी सिन्नो, सन्नी जो आपने देखा होगा कि कितना सन्निकट बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी के साथ बैठता है तो कहते हैं कि ये इसके सन्निकट है, बहुत पास है इसके, मतलब इसके बहुत समीप है, क्लोज है, इसके नियर है, डियर है। और सिन्नो जो होता है, ये शब्द बना है निसी दति से, निसी दति माने होता है बैठना, दो शब्द मिलके बने हैं, एक सन्नी और एक निसी दति। तो सन्नी सिन्नो का मतलब है अंडर बैठे हुए हैं, किसके, वर बोधि मुले, वर माने श्रेष्ठ, अच्छा, बोधि माने बोधि वृक्ष, और मूले माने जड़ में, जो बोधि वृक्ष की जड़ में के नीचे बैठे हुए हैं। मारंग ससेन महती विजेतवा, क्या करके, जो मार है, जो सशस्त्र मार है, ससेन मार है, उस मार को महत्वपूर्ण तरीके से, यानी बहुत मेहनत करके जीते हुए हैं। क्या जीते हुए हैं, अपनी बुराइयां सारी, जो मार होता है वो सारी बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को जीते हुए हैं। संबोधि मदिगच्छी अनंत याणो, सम्यक संबोधि मदिगच्छी, यानी कि जिन्होंने सम्यक संबोधि को, मदिगच्छी का मतलब होता है यहाँ पे जिन्होंने इसको पा लिया है, यानी प्राप्त कर लिया है। अधिगच्छी माने इसके अधिकारी हो गए हैं, इसको प्राप्त कर लिया है। तो संबोधि जिनको प्राप्त
कर लिया है, अनंत याणो, और जिनके पास में अनंत ज्ञान है, लोकमुत्तो, ये दो सबसे बना है, एक लोक और एक उत्तम। लोकमुत्तम माने जो लोकों में उत्तम है, लोक मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ, जितने भी आदमी हैं, जितने भी मैन हैं या विमन हैं, उनमें सब में उत्तम। तंग पड़मामी बुद्धं, मैं ऐसे बुद्ध को नमस्कार झुककर करता हूँ। तंग पड़मामी का मतलब है झुककर नमस्कार करना। फिर इसमें दो सूत्र और भी होते हैं, वो दो सूत्र ना वंदना में आते हैं, ना शरण में आते हैं, और ना ही वो जैम में आते हैं, वो अलग हैं। यं किंची रतनंग लोके विज्जति विविधा पुथु रतनंग बुद्धंग सम नत्थी तस्मा सोत्थी भवंतु ते। एक आता है उत्तमंगेन वंदेहंग पाद पंसु वर्तमंग बुद्धे यो खरितो दोसो बुद्धे खमतु तंग ममन। जब आप पूरी बुद्ध वंदना हेंगे तो ये बुद्ध वंदना में लगातार आपको मिलेंगे। उत्तमंगेन वंदेहंग, उत्तमंगेन का मतलब है जो उत्तम अंग है, वंदेहंग माने कि मैं उस वंदना करता हूँ कैसे, पाद पंसु, पाद माने पैर, पंसु माने धूल, वर उत्तमंग माने सर्वश्रेष्ठ वर, वर और उत्तम, यानी कि मैं पैरों की धूल अपने उत्तम, जो उत्तम मेरा अंग है यानी जो मेरा सर है उस पर लगा के वंदना करता हूँ। इसका हिंदी में सीधा मतलब हो गया कि मैं उनकी चरण की धूली अपने माथे पर लगा के वंदन करता हूँ। बुद्धे यो खलितो दोषो, अगर मेरे से कोई ऐसा, खलितो दोष का मतलब है अपराध, और दोषो माने होता है अपराध कृत दोष, यानी अगर कोई बुद्ध के प्रति मेरे से कोई अपराध हुआ है, नत्थी तस्मा, तो बुद्धे खमतु तंग ममन, तो बुद्ध मुझे, खमतु माने क्षमा करें, खम करें, तंग ममन मुझे, तो ये बुद्ध मुझे क्षमा करें। फिर आता है इसमें यंग किंची रतनंग लोके, यंग किंची रतनंग लोके विज्जति विविधा पुथु रतनंग बुद्ध समंग नत्थी तस्मा सोत्ति भवंतु ते। तो किंची माने हो गया कुछ, और रतनंग माने हो गया रत्न, लोक में यानी लोक में जितने भी रत्न हैं, विज्जति विद्वान है, विज्जति माने विद्वान है, विविधा पुथु, विविधा माने अलग अलग तरह के, और पुथु माने बिखरे हुए हैं, यानी इस पूरी दुनिया में जितने भी रत्न हैं जो बिखरे पड़े हैं, रतनंग बुद्धंग समंग नत्थी, यानी रतन जो बुद्ध जैसा है, समंग माने समान, नत्थी माने नहीं, तस्मा सोत्ति भवंतु ते, यानी जो ऐसा क्या बोलते हैं, कोई रत्न नहीं है जो बुद्ध के समान हो, सोत्ति भवंतु ते माने कल्याणकारी हो, सुरक्षा वाला हो और लाभदायक हो, यानी ऐसा कोई रत्न नहीं है बुद्ध के समान जो कल्याणकारी है और जो लाभदायक है और जो हमारा भला कर सके, ऐसा कोई रत्न बुद्ध के अलावा इस पृथ्वी पे नहीं है। ऐसे करके हम बुद्ध की वंदना, बुद्ध की शरण, बुद्ध की स्तुति करते हैं, ये लगभग पूरी दुनिया में चलती है। इसमें जो एक सेंटेंस जिसमें आया है कि हम उनके पैरों की धूल लगा के वंदना करते हैं, ये जितनी भी लिखी गई है वंदना, ये लगभग बात की है, मगर इसमें जो तीन रत्न वाला पार्ट है, वो तीन रत्न वाला पार्ट बुद्ध के समय भी चलता था। बुद्ध खुद कहते थे कि एक अच्छे आदमी को ये तीन जो जैम है इनको हमेशा याद करना चाहिए और इन जैसा बनने की कोशिश करते रहना चाहिए, मगर ये जो बाद में धूल चरण की लगाने वाला पार्ट है, ये कहीं बुद्ध फिलॉसफी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बुद्ध के चरणों की धूल लगा के, या आप कोई चरण पे धूल लगा के, या अपने सर माथे पे धूल लगा के, या शरीर पे धूल लगा के, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ मिलेगा वो आपको जो नॉलेज है, पहले उसे सुनिए, सुनने के बाद में उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, तब आपको मिलेगा। धन्यवाद।